नमस्कार, स्वागत है आपका ईयान टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया उपाध्याय और मेरे साथ मौजूद हैं कपिल गोट। 2019 का नया साल शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए चौका लगा दिया है। जी हाँ, उन्होंने 10% स्वर्ण आरक्षण की जो पहल की है उससे तमाम राजनीतिक पार्टियों के मुंह पर तमाचा लग चुका है और उनके मुंह बंद हो चुके हैं। और आज हम इसी विषय पर जानेंगे कि लोगों की क्या राय है। सर, ये जो मोदी सरकार ने पहल की है 10% स्वर्ण आरक्षण के लिए, तो क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत है? ये गलत है, आरक्षण तो बंद होना चाहिए, स्वर्ण और दलित का तो खेल ही नहीं होना चाहिए। आर्थिक आधार पर जो है, बिल्कुल आर्थिक आधार पर होना चाहिए ना, इकोनॉमिकली होना चाहिए। अब तो ये आर्थिक आधार पर ही तो उन्होंने किया है ना, कहाँ से किया है ये, मतलब जो आर्थिक आधार से जो कमजोर स्वर्ण है उनको, स्वर्ण वाली बात नहीं होनी चाहिए ना उसमें। आरक्षण टोटल खत्म करके जो आर्थिक आधार पर है उसको मिलना चाहिए। सारा आरक्षण खत्म करो ना, जैसे मुस्लिम को मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, SC ST को, वो सब कुछ खत्म करो। जाति के आधार को छोड़ के सिर्फ आर्थिक आधार पर जो सिर्फ गरीब है उसको दो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है वो मत देखो। सर, जो 10% आरक्षण की बात चल रही है, क्या लगता है आपको कि स्वर्णों को जिस तरीके से आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया जा रहा है वो कहाँ तक सही है? देखिए, हमारे देश की सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोनों आजकल मजे ले रहे हैं, राजनीतिक मजे ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो आर्थिक आरक्षण की बात हो रही है, आप 8 लाख रुपये सालाना से कम कमाने वाले को इसके नीचे रख रहे हैं, मतलब कि 66,000 कम से कम मंथली होनी चाहिए और 2200 रुपये रोजाना कमाने वाले को आप गरीब मान रहे हैं। ये तो मजाक हो गया, पहली बात। दूसरी चीज़ कि जो आर्थिक आरक्षण के आधार पे आप देने की बात कर रहे हैं 10%, तो वो कटेगा किस में से, 50% में से कटेगा या 50% में ऐड होगा? आज अभी संसद में बिल पेश होने वाला है, आज ही समझ में आ जाएगा लोगों को कि ये पहले वाले से भी बड़ा जुमला है। ये कुछ नहीं होने जाने को है, 50% से ज़्यादा आप आरक्षण दे नहीं सकते हैं। कोर्ट की का ही एक लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, तो ये एक लॉलीपॉप ऐसा थमा दिया गया है अंगूठे के रूप में जिसमें से दूध नहीं निकलने वाला और पेट भी भरने वाला नहीं है। ये राजनीति तुतु में चलती रहेगी, रफेल दब जाएगा इसके पीछे, CBI का मामला दब जाएगा, सारी कहानी दब जाएगी और एक नई कहानी शुरू। सभी लोग कहीं ना कहीं मन में ये थी कि सवर्ण के साथ अन्याय हुआ है, तो जो मोदी जी ने कल ये जो पारित होने की बात हुई है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और कहीं ना कहीं जो सवर्ण थोड़े से दबे हुए थे, मेरा मानना है, अब सबसे पहले आरक्षण के ऊपर बात करूं तो शिक्षा की बात करूं तो मेरा मानना है कि जिसके अंदर टैलेंट है उसको आरक्षण और वो उसका मोहताज नहीं है। वो ठीक है, बिहार से कई IPS IAS और CS जो हैं आए दिन आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आरक्षण की ज़रूरत उन लोगों को ज़रूर है जो कि आर्थिक रूप से दबे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये इनका जो फैसला है ये बहुत अच्छा फैसला है। इसे भले ही कोई राजनीतिक मोड़ दे रहा हो, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा फैसला मोदी जी के द्वारा। ये स्वर्ण आरक्षण दिया जा रहा है, हमारे जो स्वर्ण आरक्षण जो दिया जा रहा है, क्या ये सही पहल है? मोदी साहब ने 4.5 साल में क्यों नहीं किया इस पे गौर, ये बताइए आप, ठीक है ना? और 10% आरक्षण किसको दे रहे हैं? ये रिजर्वेशन जो स्कीम चल रही है जनरल के लिए, SC पे SC फाइट करेगा, OBC पे OBC पे फाइट करेगा, जनरल पे सब फाइट करना, जनरल पे जनरल ही छोड़ दो, वही चाहिए उसको। RN का रिजर्वेशन नहीं करता 10%, तब भी कह रहा है एक आरक्षण बंद करो, एक दूसरे पे इलेक्शन चालू करो, ये क्या मतलब है? कहाँ से देंगे 10% आरक्षण, ये भी बता दें मोदी साहब। चलो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इलेक्शन 100 दिन में इलेक्शन है, अब दे दो 15 लाख 25 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, मिलना तो है नहीं कुछ, दे दो, सिर्फ जुमले हैं और कुछ नहीं है। मतलब आपका मानना है कि पहले रोजगार उसके बाद आरक्षण? हाँ, पहले रोजगार, जॉब क्रिएट करो, नीति बनाओ, जाकर ये 4.5 साल में क्या करा, चुनाव प्रचार 365 दिन में से 200 दिन चुनाव प्रचारों में और बाकी दिन घूमने फिरने में पूरा टाइम लिया, क्या क्या नीति बनाई, क्या रोजगार क्रिएट करने के लिए इतनी पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी जो है लोग पढ़ लिख करके जो है खाली घूम रहे हैं जा करके, उसके लिए क्या क्या नीति बनाई इन्होंने, क्या पॉलिसी बनाई, जो है सारे उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, वो उद्योग धंधे ठप पड़े हैं और रियल इस्टेट ख़त्म है, जो है लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म कर दी जा करके, अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्यों छोड़ा, मतलब जो है क्यों छोड़ दिया, कि मोदी सरकार चाहती थी जो पैसा 3.5 लाख करोड़ जो है वहाँ रिजर्व में होता है, जो है अच्छे बुरे वक्त के लिए, जो है कहीं देश पे आक्रमण हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, उस टाइम के लिए जो पैसा रिजर्व होता है, तो वो भी कह रहे थे कि जो है मैं ये चुनाव में जो है बांटूंगा, जो है ये पैसा हमें दे दो जा करके। अब ऐसे बंदे को बिठा दिया, पहले वो ऐसे है रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऐसे बंदा
बिठा दिया, वो पहले ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। कपिल, जैसा कि हमने जाना कि स्वर्ण की जो 10% आरक्षण है उस पर लोगों की क्या राय है? प्रिया, जैसे कि देखने को मिला है लोग जो हैं उसका विरोध भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो उसको लेकर के खुश भी हैं। तो एक तरीके से मतलब मोदी सरकार का भी एक पहल मानी जा रही है कि उन्होंने राजनीति के 2019 की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईआन टीवी। कैमरामैन आशीष के साथ कपिल गौड़ और प्रिया उपाध्याय।